कोरोना के चक्कर में हम लोगों ने कुछ नया सीखा हो या ना सीखा हो, अंग्रेजी का एक नया शब्द जरूर सीखने को मिला और वो था क्वारंटाइन। और सवाल ये है कि क्वारंटाइन शब्द एक्चुअली आया कहां से, उसका मतलब क्या था, तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब पूरी दुनिया प्लेग नामक बैक्टीरिया से जूझ रही थी तो उस टाइम पे इटली ने क्या किया, उसके वहां पर आने वाले जितने भी समंदर के जहाज थे उनको वो 40 दिनों तक समंदर में ही खड़ा रखते थे ताकि वो जो बैक्टीरिया है वो 40 दिनों में वहीं पे खत्म हो जाए। और वहां की लोकल लैंग्वेज में 40 को क्वारंटा बोला जाता था, वहीं से ही क्वारंटाइन शब्द को निकाला गया। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी, और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कभी कभी बॉलीवुड के रियल हीरोज रियल हीरो बन के सामने आते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। उनमें से एक नाम है सोनू सूद का। जी हाँ गाइस, सबसे पहले सोनू सूद ने अपने मुंबई स्थित होटल को स्वास्थ्य कर्मियों को, जो कि कोरोना की ड्यूटीज में लगे हैं, उनको दे दिया। फिर उसके बाद बेसहारा और गरीब लोगों को खाना तक परोसा। और उसके बाद जब उसने देखा कि हाईवे पे बहुत सारे लोग अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़े हैं, तो उनकी मदद करने के लिए इस बंदे ने बसों को प्रोवाइड किया, वो भी अपने खर्चे पे। जी हाँ, और अभी तक 12,000 से ज्यादा प्रवासियों को वो अपने घरों तक पहुंचा चुके हैं। सो सोनू सूद की इस दरिया दिली के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइज, आपके आसपास आप लोगों ने सड़कें काले रंग की ही देखी होंगी, लेकिन पूरे विश्व में एक देश ऐसा है जहां पर सड़कें काले नहीं नीले रंग की हैं। वो देश है कतर, जहां की राजधानी दोहा में नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। उसके पीछे का कारण है कतर की गर्मी। कतर एक बहुत गर्म देश है जहां पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए नीले रंग की सड़कें बनाई गई हैं। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी मानना है कि सड़कों को नीला करने से वहां पर 50% तक सन के रेडिएशन को कम किया जा सकता है। देखो, चाहे लॉजिक जो भी हो, नीले रंग की सड़कें फैसिनेटिंग तो जरूर है। क्या आप लोग भी अपने आसपास सड़कें नीले रंग की देखना चाहते हैं, और अगर हाँ तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव गए। गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों की बहुत ज्यादा सेवा की, लेकिन जाते जाते गुरु नानक देव जी ने उन गांव वालों को आशीर्वाद दिया, गुजर जाओ। उसके बाद गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव गए, लेकिन उन गांव वालों ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी गुरु नानक देव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसे रहो। ये देख के एक शिष्य से रहा नहीं गया, उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि ये कैसे आशीर्वाद दिया आपने। तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि संसार में अच्छाई का फैलना और बुराई का रुके रहना और ना फैलना इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जो अच्छे लोग थे उन्हें उजड़ जाने का मैंने आशीर्वाद दिया ताकि वो बाकी जगहों पे जाके अपनी अच्छाई को फैला सके। आपको ये स्टोरी कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कहा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती है और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।